हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल की जनसभा के दौरान चोरी की बिजली से उपकरण चलाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। सीएम साहब, जगमग योजना आपकी, हर शहर को बिजली देने का दावा आपका, बिजली चोरों के खिलाफ आपके अधिकारी मुस्तैद, लेकिन आपकी ही जनसभा में चोरी की बिजली इस्तेमाल की गई? ना साहब, ये ठीक नहीं है, ये तो दीपक तले अंधेरा वाली बात हो गई। चलिए दर्शकों, अब आपको विस्तार से ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल फतेहाबाद में 5 सितंबर की रात को पपीहा पार्क के सामने आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में एक जनसभा हुई, जिस जनसभा में बिजली चोरी करके पंखे, लाइट और एलईडी उपकरण चलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब सीएम साहब यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय सीएम के इस कार्यक्रम में बिजली चोरी से बिजली के उपकरण चलाए जा रहे थे। बिजली के पोल में कटिया फंसाकर सीएम साहब की जनसभा में तमाम उपकरण चलाए जा रहे थे, और जैसे ही सीएम मनोहर लाल का संबोधन समाप्त हुआ और जनसभा खत्म हुई, उसी समय बिजली उपकरण लगाने वाले मौके पर मौजूद प्राइवेट कर्मचारी डायरेक्ट कुंडी बिजली ट्रांसफार्मर पोल से हटाते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हो गए। और जब उन कर्मचारियों से इस बाबत सवाल पूछा गया तो हड़बड़ाहट में इन प्राइवेट कर्मचारियों ने बिजली निगम की पोल खोल कर रख दी। तो किसने लगाई है? किसने लगाई? आपने हटाई है डायरेक्ट? आपने हटाई है? किसने? आप कौन हो? नहीं, आप कौन हो पहले आप बताओ ना। अरे आप कौन हो? अरे आप, आपने तार हटाई, कौन हो आप? हम पूछ रहे हैं आप कौन हो? नहीं, आपका आपको टेंट लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं, हमारे पंखे हैं। आपके पंखे हैं? अच्छा, ये आपने तार लगाई है ना? लगाई किसने थी? लगाई किसने थी? लगाई तो उधर बिजली वाले हैं जी, उन्होंने लगाई है। हम तो पंखे, बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं। मिलवाओगे उनसे आप? मैं नहीं जानता, हम तो शिक्षा से आए हैं, उन्होंने तार लगाई, हम तो इकट्ठे कर रहे हैं, दो हटाए। बिजली की कुंडी हटाने की कोशिश करते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हुए प्राइवेट कर्मचारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिजली खंभे से बिजली चोरी सप्लाई की ये कुंडी उन्होंने नहीं बल्कि बिजली निगम के कर्मचारियों ने लगाई है। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों के इन आरोपों के बाद बिजली निगम के जेई से लेकर एसडीओ तक से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था और एसडीओ भी फोन पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। कैसे आए हो? पंखे वाले भाई, पंखे की तार हूं। नहीं, पंखे की तार किसने कहा लगाने के लिए आपको यहाँ? डायरेक्ट तार किसने कहा था लगाने के लिए? तो लगाई नहीं दे, ये डायरेक्ट नहीं लगी हुई? हमने तो लगाई नहीं, ये लगी डायरेक्ट है कि नहीं है? हमने लगाई नहीं। अरे लगाई नहीं, डायरेक्ट लगी हुई है क्या? हमने लगाई नहीं दिया। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर लगाई नहीं तो उठा क्यों रहे हो? है? जब लगाई नहीं तो उठा क्यों रहे हो? वो भैया ने लगाई है। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद जनसभा में बिजली चोरी का ये मामला अपने आप में कई दावों की पोल खोलता है, क्योंकि एक तरफ सरकार ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दम भरती है, लोगों से बिजली चोरी ना करने की अपील करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री के ही कार्यक्रम में बिजली चोरी करके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उन आयोजनकर्ताओं पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के इंतजाम किए थे। साथ ही यहाँ थोथा चना बाजे घना वाली कहावत भी साफ चरितार्थ होती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सब आपको दिखा दिया है हमने, सब कुछ सामने है। एक तरफ सरकार
ये कहती है कि भैया बिजली चोरी नहीं करो, बिजली चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और खुद सीएम साहब की जनसभा उनकी रैली के लिए चोरी की बिजली का इस्तेमाल उनके अपने अधिकारी कर रहे हैं या जो भी इंतजाम में व्यस्त अधिकारी रहे हों, कार्यकर्ता रहे हों, जो भी कर रहा हो ये इंतजाम, ये सब देखिए तस्वीरों में आपके सामने है। अब सीएम साहब को इस पर जवाब देना चाहिए, अपने उन अधिकारियों को पूछना चाहिए कि भैया आम आदमी अगर बिजली चोरी करता है तो उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करते हैं, अब जब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सीएम की जनसभा के लिए ही बिजली चोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सत्ताधारी दल बीजेपी को देना होगा। क्यों आखिर और किसकी परमिशन से ये बिजली चोरी का जो कि चल रहा है तस्वीरों में आप खेल देख लीजिए, ये किसके परमिशन से हो रहा है, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? अगर आम आदमी चोरी करता है तो आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, अब ये जो अधिकारियों ने जिनको ये सुनिश्चित करना था वो अगर नहीं कर पाए सुनिश्चित कि चोरी की बिजली का इस्तेमाल ना हो तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल है हमारे संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। साहिल, अधिकारियों से आपने पूछा ये चोरी की जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसकी परमिशन से कर रहे हैं ये? जी गौरव, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा मामला ये जो कल देर शाम फतेहाबाद के पपिया पार्क के बाहर का है, जहाँ सीएम की जो जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पहुंची थी, इस दौरान जब हरियाणा न्यूज की टीम ने आसपास पड़ताल की गई तो देखा कि बिजली जो डायरेक्ट कुंडी लगाकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी जो जनसभा को पूरी जो पूरा कवर किया जा रहा था, जो लाइट की व्यवस्था थी, जो पंखे की व्यवस्था थी, एलईडी की व्यवस्था थी, वो कुंडी लगाकर जो बिजली व्यवस्था उसकी तरफ से मुहैया करवाई जा रही थी। तो इस बारे में जब हमने मौके पर बिजली विभाग को सूचना दी, उनसे जब बातचीत करी तो सब चुप्पी साधे हुए नजर आए, वहां मौके पर कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा और हरियाणा न्यूज की टीम वहां रात को डटी रही। लगभग एक दो बजे तक हरियाणा न्यूज की टीम जब बिजली विभाग के अधिकारियों का वहां इंतजार करती रही, लेकिन वहां किसी भी अधिकारी ने आने की कोई जहमत नहीं उठाई। जी तो अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, कोई बीजेपी का नेता बोलने के लिए तैयार हुआ? जी गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि ना ही मामले में अभी तक कोई अधिकारी बोल रहा है, बीजेपी नेता भी अभी फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। तो क्या कार्रवाई बनती है नहीं बनती है ये बोलने के लिए भी कोई अधिकारी तैयार नहीं है? आम आदमी अगर पकड़ा जाता है बिजली चोरी करते हुए तो तुरंत ये उसको पर्ची पकड़ा देते हैं, फाइन कर देते हैं, कानूनी कार्रवाई कर देते हैं, अब ये अधिकारी जो कर रहे हैं इनको कौन पर्ची पकड़ाएगा? जी जाहिर सी बात है गौरव जी, आपने बिल्कुल सवाल सही किया। अगर यही आम आदमी जब अपनी जिस तरह से गरीब आदमी एक बल्ब लगाने के लिए अपने घर में रोशनी लाने के लिए अगर इस तरह से कुंडी का इस्तेमाल करता है तो बिजली विभाग के कर्मचारी अपना जो रवैया है उनका रवैये के अनुसार जिस तरह से भारी भरकम बिल उनके घर तक पहुंचा दिए जाते हैं, अगर कोई प्रशासनिक नेता या कुछ सरकार का कोई नुमाइंदा अगर इस तरह के काम करता है तो वो कार्रवाई करने से बचते हैं। जी मतलब कोई बोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है? फिलहाल गौरव कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई, मैं रात को खुद वहां मौके पर था, एसडीओ को कई बार मैंने फोन किया उनको बुलाने के लिए, वहां मैं खड़ा रहा लेकिन किसी अधिकारी ने वहां न आने की जहमत, कोई भी अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे हैं। संजय जी, एक तरफ सरकार जगमग योजना चलाती है, एक तरफ आप ये कोशिश करते हैं कि बिजली चोरी ना हो और लाइन लॉस जो है वो कितना कम से कम किया जाए, दूसरी तरफ आपके ही अधिकारी सीएम की जनसभा में चोरी की बिजली का इस्तेमाल करके पंखे, एलईडी और बाकी चीजों को यूज कर रहे हैं, क्यों सर? देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसकी जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया उसे जाएगी, क्योंकि किसी भी सरकारी लेवल पर किसी अधिकारी ने या अपने मुख्यमंत्री या उनकी टीम ने किसी को ये नहीं कहा कि आप बिजली की चोरी कीजिए। अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार का नुकसान कर रहे हैं और बिजली की चोरी कर रहे हैं। आपने ये ध्यान में कराया, इसके तुरंत जांच की जाएगी और ऐसा पाया गया तो जिस भी अधिकारी ने एक काम किया है
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में 5 सितंबर को ये कार्यक्रम पपीहा पार्क के सामने हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और उसकी तस्वीरें, उसके विजुअल्स, और जो लोग वो जो फंसा रहे थे उसमें और उसमें से निकाल रहे थे तार खंभे से डायरेक्ट, उनकी बाइट्स भी हमारे पास, वो कह रहे हैं हम तो निकाल रहे हैं जी, अधिकारियों ने लगवाया है। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल जिसने भी लगाया, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, किसी लेवल का व्यक्ति हो, जिसकी भी उसमें जिम्मेवारी तय होगी उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार कभी भी इन चीजों को ना बढ़ावा देती है ना इन चीजों के बारे में पसंद करती है। सरकार की जो मुख्य काम है वो यही है कि ईमानदारी रूप से सब लोग अपना काम करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके सरकारी संपत्ति को नुकसान हो। नहीं तो ये सुनिश्चित करने का किसका काम है? सीएम की जनसभा हो रही है, वहाँ अधिकारी तो रहे होंगे या टीम में, या बीजेपी के वो जो लोकल इकाई के कार्यकर्ता रहे होंगे, उनको ये देखना चाहिए था। नहीं है, वही आएगी कहाँ से, किसने क्या, देखो कई बार क्या है, कई किसी की निगाह नहीं जाती, किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं ध्यान किया होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान में कराया और जिसने भी वहाँ विजुअल जो भी उसने वहाँ रिकॉर्डिंग की है तो वो अच्छी बात है, ऐसी बातें ध्यान में आई है तो जरूर इसके खिलाफ। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। नरेश शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे हैं। नरेश जी, फतेहाबाद में सीएम की जनसभा हुई और बिजली चोरी से इस्तेमाल की जा रही थी। नरेश जी, मैं आदरणीय साक्षी को ये बताता हूँ, संजय जी वैसे तो बहुत आदरणीय हमारे भाई है, लेकिन जो आप जवाब मांग रहे थे उससे ना जनता संतुष्ट होगी, ना आप हुए ना मैं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उपभोक्ता एक बल्ब वाला गरीब आदमी अगर तार डाल लेता है तो उस पर हजारों रुपए का जुर्माना होता है, क्योंकि सरकार घाटे में था। आज मुख्यमंत्री जैसे अत्यधिक संवेदनशील जो जनसभाएं हैं, जो खुद चोरी कर रहे हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री को उपभोक्ता को क्या संदेश देना चाहता है, प्रदेश की जनता में क्या संदेश जा रहा है? और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लाखों रुपए जुर्माना ट्रैक्टरों पर, 55,000 रुपए, ये काला कानून थोप दिया जनता के ऊपर, स्कूटियों पर 23,000 रुपए जुर्माना, 10,000 की स्कूटी जुर्माना 23,000, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई चूस कर सरकार के घाटे को पूरा करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं नरेश जी, सिर्फ आरोप नहीं जवाब भी ले लेते हैं। संजय जी, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही, अब इतनी जोर से मैंने नहीं कहा जितनी जोर से नरेश जी बोल रहे हैं, मैंने ये थोड़ा सा पोलाइटली कहा है कि जिसकी भी जवाबदेही है, जिसकी भी जिम्मेवारी है, उसके बारे में जांच करिए। अब ये तो है नहीं, किसको तय करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी कि इस अधिकारी का कसूर है, किसने ऐसा किया, तो जिसका भी वो होगा कसूर, मैं आपके चैनल पर ही बताऊंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहां तक अभी इन्होंने ये बात की है कि स्कूटी 10,000 की और 23,000 रुपए खिलाफ, देखिए देश की सरकार का, देश के परिवहन मंत्री का, आदमी आपको दोनों को रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, दोनों को रोक रहा हूँ, लौटूंगा दोनों के पास। एक बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से ही, सीएम की जनसभा में बिजली चोरी का ये जो मामला है इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। बिजली चोरी पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है, उन्होंने कहा जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और सरकार में आने पर एक एक पैसे का हिसाब किया जाएगा, हिसाब पूरा लिया जाएगा। तो सीएम की जनसभा में बिजली चोरी के मामले पर बोलते हुए अब दिग्विजय चौटाला ने ये कहा है कि सीएम की जनसभा में सरकारी पैसे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और अगर उनकी सरकार आएगी तो वो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। संजय जी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे वो कह रहे हैं, दुरुपयोग सही है, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी सभाएं हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सब कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम में सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना तो दूर की बात, सरकारी पैसा लगाया तक नहीं जा रहा है। हाँ, वो आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं, जनसभा में कितना पैसा खर्च किया गया, इस स्थान पे कितना पैसा खर्च गया, उनको उसका जवाब मिलेगा। बिजली जो चोरी हो रही है वो तो सरकारी है ना सर, बिजली जो चोरी हुई वो सरकारी है ना? उसके बारे में तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे सभाओं में दुरुपयोग हो रहा है, सभाओं में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा, वो उस बारे में कह रहे थे ना, उसका हिसाब ले, मैंने इसके बारे में तो जवाब दे दिया है। अब फिर उसको रिपीट करने के लिए आप कहेंगे तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। ये कब तक हो जाएगा सर, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं। अच्छा, आपको रोक रहा हूँ, एसडीओ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजली विभाग से, नीरज जी, धीरज, एसडीओ साहब एक बात बताइए, आपको अब तक ये खबर तो मिल ही गई होगी कि बिजली चोरी हो रही थी, किसकी परमिशन से चोरी हो रही थी सर? बिजली चोरी नहीं हो रही थी सर, कौन कह रहा था चोरी हो रही थी? तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी पे,
और जो दो व्यक्ति जो तार फंसा रहा था उसकी उसकी बाइट भी है सर, आप बोलेंगे तो दोबारा सुनवा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ सीएम की रैली के दौरान दो जनरेटर लगाए गए थे, एक 120 केवीए का और दूसरा 82 केवीए का, दो जनरेटर थे और दोनों से ही कनेक्शन दिए गए थे। तो ये बिजली के खंभे में जो तार फंसाए हुए हैं ये तस्वीरें झूठी हैं? मैं झूठे की नहीं कह रहे, इस विषय में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, ये कहां तो आपको तो फोन करके रिपोर्टर ने मौकाए वारदात पर आपको कहा आप आ जाइए, आपने जाने की जहमत नहीं उठाई और अब आप कह रहे हैं कि जहमत चोरी नहीं, उस टाइम तो प्रोग्राम एक और उस टाइम तो प्रोग्राम चल रहे थे सीएम साहब के, उनके बीच में से कैसे चले जाए? नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उन्होंने 2 बजे तक आपका इंतजार किया है उस जगह पे? 2 बजे तक इंतजार किया एक और उसके बाद जो रेस्ट हाउस में उनका रात्रि ठहराव था वहां चले गए थे। ठीक है, नहीं आपको आपको देखना नहीं चाहिए कि बिजली चोरी हो रही है अगर, तो अगर कोई एक और है जिसकी वीडियो आई है वो उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। नहीं तो आपने पहले कैसे कह दिया साहब कि नहीं हुई, अगर आपने देखा नहीं तो आप पहले कैसे कह रहे हैं? नहीं सीएम की विजिट के दौरान एक दर्शक देख रहे हैं, सुनिए सुनिए एसडीओ साहब सुनिए, दर्शक देख रहे हैं हमारे विजुअल्स भी और वो आदमी जो तार फंसा रहा है हटा रहा है उसकी बयान भी हमारे सामने है। हमारे संवाददाता साहिल भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है, आपको वो फोन करते रहे आप पहुंचे नहीं। साहिल मैं आपको बता दूं, हाँ जिस टाइम एक और है ये आप वीडियो दे रहे हो उस वीडियो पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं और सीएम की रैली के लिए बकायदा 2 जनरेटर लगाए गए थे उसके बावजूद बिजली चोरी कर रहे थे, 2 जनरेटर लगाए उसके बावजूद क्यों चोरी कर रहे थे? यही तो सवाल है, आम आदमी करता है चोरी, एक बल्ब जलाता है कोई गरीब तो आप उसको फौरन पर्चा पकड़ा देते हैं, यहाँ किसको पर्चा पकड़ाएंगे? इस मैटर की भी इंक्वायरी किया जाएगा और जो भी फॉल्टी होगा। एसडीओ साहब मुझे एक बात बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त हमारे लाखों दर्शक पूरे देश भर में दुनिया भर में, वो हंस रहे होंगे आपके इस बात पर क्योंकि आपने पहली लाइन में ये कहा कि कोई चोरी नहीं हो रही थी, जब आपने पहले ही क्लीन चिट दे दिया आप क्या इंक्वायरी करेंगे साहब? मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि बिजली बोर्ड ने जो सप्लाई दी हुई थी वहां के पंडाल में वो सारी हमारी जनरेटर से थी। आप ये कह रहे हैं कि वहां ट्रांसफार्मर से किसी ने डायरेक्ट सप्लाई भी यूज की हुई थी। ठीक है, इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ जो वीडियो है उस पर इंक्वायरी करेंगे। कब करेंगे? ना तो निगम ने वहां से कोई कनेक्शन दिया हुआ था। कब करेंगे कनेक्शन? क्योंकि उस टाइम जिस साइड से आप कह रहे हो ना वीडियो वायरल हुई है, एसडीओ साहब कब करेंगे? नहीं वायरल नहीं, आपको उसी समय फोन किया गया है और आपको तब से जानकारी है, अभी तक आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी करेंगे, अब तक क्यों नहीं मार की इंक्वायरी? रात को एक बार सारा स्टाफ करीबन 2-3 बजे फ्री हुआ है। 1:18 हो रहे हैं, सुबह अगर आप कार्यालय में आते भी होंगे वक्त पे आते होंगे तो 10 बजे पहुंच जाते होंगे। अभी तक मार क्यों नहीं की इंक्वायरी? आपको जरूरत महसूस कर रही? इस बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी आप कह रहे थे जो करेंगे। भी पार्टी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बातों को घुमाइए नहीं, दर्शक सुन रहे हैं और वो स्मार्ट हैं। अभी आप कह रहे थे इंक्वायरी करेंगे, अब कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है। एक पहले नहीं, इंक्वायरी मैं ये कह रहा हूँ इंक्वायरी करेंगे, जो भी पार्टी होगा उसको दोषी जो भी दोषी होगा इसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ साहब अभी तक क्यों नहीं जरूरी समझा सुबह से अब तक कि इंक्वायरी मार्क कर दी जाए? जरूरत नहीं समझी आप लोगों ने? जरूरत नहीं है, अभी तक एक और है, रात को सारा का सारा स्टाफ 3-2 बजे तक तो फारिक हुआ है, जितना हमने एक और है 2 जनरेटर सेट 3 जनरेटर सेट भी लगाए हुए थे, रात्रि का ठहराव का प्रोग्राम भी था, ठीक है अर्ली मॉर्निंग भी प्रोग्राम थे। ठीक है, हो गई रात खत्म हो गई, सुबह 10 बजे ड्यूटी तो पहुंचे होंगे? सुबह 10 बजे भी तो सीएम साहब के प्रोग्राम थे। तो सीएम साहब का प्रोग्राम, सीएम साहब ने आपको कहा है बिजली चोरी करने के लिए क्या? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ चलते हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं आप सीएम साहब? मैंने एक ही चीज कह रहा हूँ आपको, इस मैटर में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसको सजा नहीं किया। इस बारे में एक और है, मैं अभी तक आपको कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, अभी इस बारे में अब तक क्यों नहीं किया और अब तक क्यों नहीं हुआ, मतलब इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता है कि जब तक मीडिया में बात ना आ जाए, जब तक प्रेशर ना आ जाए तब तक मैं इस बारे में एक और मैंने आपको पहले भी कह दिया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों सर? ठीक है, इस पे इंक्वायरी चल रही है, जो भी रिपोर्ट आएगी। अच्छा मुझे एक सवाल को और जवाब दीजिए, एक तरफ सरकार ये कहती है, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उम्मीद कर रहा था कि जल्दी ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने सब कुछ है, कल रात में एसडीओ साहब को बुलाया गया
हमारे रिपोर्टर ने फोन करके बताया कि यहां बिजली चोरी हो रही है, सीएम के कार्यक्रम में आप आइए। उन्होंने जाके देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसके बाद अभी आप देखिए 1:30 बजने वाला है और अब तक इनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि इंक्वायरी मार्क कर दी जाए। अब जब मीडिया में बात आ गई, अब जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली बचाओ, आप बिजली चोरी क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अब इंक्वायरी होगी। उम्मीद करते हैं इंक्वायरी हो, सच सामने आ जाए और कार्रवाई भी हो जाए। आम आदमी एक बल्ब जलाता है तो आप पर्चा काट देते हैं, अब देखते हैं किसका पर्चा कटता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।